बनियाडीह के अग्दोनी कला स्कूल में नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट बेचना डीएससी को महंगा पड़ सकता है। जिला शिक्षा अधीक्षक के बर्खास्तगी की मांग गुरुवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने की है। असल में डीएससी पर एक नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट जबरन अपने कर्मियों को बेचने का आरोप लग रहा है। बताया गया कि डीएससी अरविंद कुमार शैक्षणिक कार्यों के लिए विद्यालयों का निरीक्षण करने के साथ साथ स्कूलों में दुकान सजाकर प्रोडक्ट बेचते पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को डीएससी अग्दोनी कला स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन स्कूल के टेबल पर दुकान सजाकर ये शिक्षकों को सामान बेच रहे थे। इनका यह वीडियो जब वायरल हुआ तो गुरुवार को जनप्रतिनिधियों ने उनके बर्खास्तगी की मांग की। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि डीएससी जैसे पदाधिकारी का शिक्षकों पर दबाव बनाकर नेटवर्किंग कंपनी का प्रोडक्ट बेचना सेवा संहिता का उल्लंघन है, ऐसे में इन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि वो कह देते कि हम सामान खरीद रहे हैं तो समझा जा सकता था कि ये उनका नहीं है, किसी दूसरे का है, अगर थोड़ा सा वो दिमाग लगाते तो। लेकिन जैसे ही पत्रकार महोदय ने पूछा कि ये क्या है, ब्रश है क्या है, तो वो छिपाना शुरू कर दिए और छिपाने के बाद भी उस पर पेपर डालना शुरू कर दिए, और पेपर डालने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई तो वो सब उठा उठा के अपने ड्राइवर को देना शुरू कर दिए। इसे साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगातार किया जा रहा था। दिक्कत इस बात की है कि टीचर इतने हैं इस शहर में और ग्रामीण इलाकों में कि किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, और निश्चित है कि ये जो अफसर होते हैं, जो करप्ट अफसर होते हैं, सभी की बात नहीं कहता हूँ क्योंकि गिरिडीह में भी जो भी अफसर है 90% अच्छे हैं, 10% की बात ही छोड़ दीजिए, बहुत जगह पे हम लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि इनका हर जगह पे चर्चा का एक विषय था। हम धन्यवाद देते हैं पत्रकार महोदय को कि उन्होंने इस 42 सेकंड के वीडियो को बनाया और डाला जो हम लोग देखें, और हम लोग एक रिएक्ट कर रहे हैं कि ऐसे जो अफसर हैं जो ज़बरदस्ती थोपते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए, इतने बड़े अफसर को इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आईडी किसी और नाम से लिए हों लेकिन कार्य भी किसी और से करवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ब्लैकमेलिंग करके ज़बरदस्ती टेबल पर रख के किसी को अपना सामान देना ये एकदम कानूनन जुर्म है, खासकर सरकारी जो काम करते हैं उनके लिए ये गलत करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं, भाकपा माले की तरफ से विरोध करते हैं कि ऐसे जो अफसर है, जहाँ शिक्षा का क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा होना चाहिए था जो कि एकदम घट गया इनके काल में, तो ऐसे शिक्षक को बर्खास्त किया जाए, गिरिडीह से दूर किया जाए। धन्यवाद।